जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आप सुनेंगे पंच भिखू की कहानी। किसी भी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराए पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा ही रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजरी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजरी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री का यह माला मोजरी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी तह माला मोजरी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैरी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचो पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा, तेरे गल डालूंगी हीरा, तेरी साख भरियो बीरा। सुवा बोला कि कोई बीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुवा सुवा, सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुवा से पूछा, सुवा सुवा, वह आई थी, कैसी थी? सुवा बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई, प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने चारों रात तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया।
राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसीलिए और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुख तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधु का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। प्रेम से बोलिए पंच भिखु देवता की जय। अब सुनिए पंच भिखु गीत। पुनो नहाई परवा नहाई, पांच रतन पच तीरथ पंच भिखम नहाई, एक टका मेरी गाठ में सुनियो रघु राई, आधे कलाई आवला आधे की राई, राई दामोदर सावला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया बिहा के रानी बनाई, चार चक्कर चार मक्कर चार दी किलो, मैं तुझसे पूछू श्री की संजी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोली पंच भिखु देवता की जय, पंच भिखु देवता की जय।